नमस्कार सभी भाइयों को। आज हमारे सामने फार्म ट्रैक 60 है और इसका वाइब्रेशन टेस्ट करने वाले हैं। ये जो ट्रैक्टर है ये 2021 मॉडल है और अभी रिसेंट का ही है, 200 घंटे चला हुआ है। और आज देखते हैं कि इसके इंजन में जो है स्टार्टिंग टाइम पे, बेसिकली हम इसके दो राउंड पूरे करेंगे। एक में इसके बोनट पे रखा जाएगा ग्लास और दूसरे में बम्पर पे रखा जाएगा। और हर राउंड में तीन स्टेजेज होंगी, जिसमें एक स्लोरिंग का आइडल रेस जो होती है ट्रैक्टर की, उस पर वाइब्रेशन टेस्ट किया जाएगा, और दूसरा जो है वो 10 RPM पे, और तीसरा जो है वो फुल एक्सेलरेटर देके। ये यहाँ पे ग्लास रख दिया गया है और अभी जो है ट्रैक्टर को हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये जो ग्लास है इसमें जो है फ्लो ऑफ वाटर देखा जाएगा कि ये कितना हिल रहा है कितना नहीं हिल रहा। देख सकते हैं आप ग्लास कहाँ तक भरा हुआ है। उसके बाद हम इसका वाइब्रेशन अभी टेस्ट करने वाले हैं। फार्म ट्रैक 60 है, 200 घंटे चला हुआ, 2021 मॉडल, कोई बहुत ज़्यादा चला भी नहीं है और बहुत पुराना भी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल जो कंपनी है वो कितने सुधार कर रही है वो इस चीज़ से पता चल जाएगा। हाँ भाई ट्रैक्टर स्टार्ट करो। 10 RPM बिल्कुल जरा सा हिल रहा है, बहुत ज़्यादा हिल भी नहीं रहा है। ये आइडल रेस पे है, अभी हम इसको 10 RPM पे करवा के तब एक बार चेक करेंगे। 10 RPM देता हूं। बस RPM पे ट्रैक्टर है और ग्लास की जो कंडीशन है वो आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग में हल्का सा ग्लास में मूवमेंट आया था, उसके बाद जो है अब ये कंडीशन है फिलहाल के टाइम। उसके बाद अब करवाते हैं इसको पूरा फुल RPM पे, फुल RPM। जो है गिर गया, ज़्यादा देर टिका नहीं, तो अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें वाइब्रेशन कितनी है। आइडल रेस पे ठीक रहता है, 10 RPM जो है वो भी ज़्यादा नहीं होते, 10 RPM पे भी हम ठीक ठाक जो है इससे रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन जब फुल एक्सेलरेटर करते हैं तो उस केस में जो है ग्लास मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड भी नहीं रुक पाया। ये फार्म ट्रैक 60 का वाइब्रेशन टेस्ट था और मेरे हिसाब से मैंने तीनों स्टेजेस जो है वो कवर कर ली हैं। बाकी अगर किसी और तरीके से कोई और अच्छा तरीका हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, फिर उस हिसाब से वाइब्रेशन टेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो है दूसरे राउंड में अभी हम इसका बम्पर पे रख के उसके बाद चेक करने वाले हैं। तो एक बार बम्पर पे ग्लास भर के रख देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। ये ग्लास जो है हमने फार्म ट्रैक 60 के बम्पर के ऊपर जो है ये यहाँ पे सेटअप कर दिया है। अब इसका दोबारा से वही तीन चीज़ों में हम इसका दोबारा से वाइब्रेशन टेस्ट करेंगे। फर्स्ट आइडल रेस में होगा, सेकंड 10 RPM पे, और तीसरा जो है वो फुल RPM, जो इसके 2200 रेटेड RPM है उन पे हम इसका वाइब्रेशन टेस्ट करेंगे। क्योंकि इंजन जो है उससे बम्पर जो है वो बम्पर डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, तो अभी बम्पर का देखते हैं कि बम्पर पे वाइब्रेशन कितना आता है। स्टार्ट कर भाई। ये बम्पर पे आप देख सकते हैं, बम्पर पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन तो बम्पर पे भी नहीं है, आइडल रेस में कुछ इस हिसाब किताब से है। उसके बाद हम इसको 10 RPM पे करवाते हैं। 10 RPM ये देख सकते हैं जैसे जैसे RPM बढ़ रहे हैं इसका वाइब्रेशन, पानी की जो मूवमेंट है वो आप देख सकते हैं। ग्लास में अभी तक कोई मूवमेंट नहीं है, ग्लास एज इट इज जहाँ रखा हुआ था वहीं पे रखा हुआ है। फुल RPM
ये फार्म ट्रैक 60 जो है, इसमें वाइब्रेशन टेस्ट जो हमने किया था कुछ इस हिसाब किताब से है। अभी देख सकते हैं आप कि कितना जो है देर रुका ग्लास। बाकी ये शो पे जितनी देर रुका था उससे ज़्यादा बम्पर पे रखने के बाद रुक गया है, तो शो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वाइब्रेट जो है इसकी ज़्यादा होती है, बाकी बम्पर जो है बम्पर बहुत कम होता है। लेकिन हाँ ये है कि ग्लास गिर गया था एक टाइम पे आने के बाद में। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।